जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। ये किसका बच्चा है ये? पापा मेरे खिलौने कहाँ है? बेटा मैं आपका पापा नहीं हूँ। पता नहीं ये किसका बच्चा है ये, शायद किसी को ढूंढ रहा है और गलती से। एक्सक्यूज मी, ये बच्चा किसके साथ है? ये इसकी माँ कहाँ है? भाई साहब वो मेरा बेटा वहां चला गया, उसे आप प्लीज जरा बुला देंगे? जी ठीक है। कोई है, कौन है ये? जी ये बच्चे की माँ इधर ही है, खेलते खेलते इधर आ गया है। मामा के पास चलो बेटा। पापा, पापा। चलो चलो। वैशु तुम्हारी शॉपिंग हो गई हो तो हम चलें, हमें फिर घर जाकर हॉस्पिटल भी जाना है। इधर आना, ये रख दो अंदर। धर्मेश मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़का तुम्हें पापा पापा कहकर क्यों पुकार रहा था। समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा है वैशु। बिलीव मी वैशु, ये सब जितना तुम्हारे लिए शॉकिंग था उतना ही मेरे लिए भी था। फिर मैंने सोचा बच्चा है, शायद कपड़े वगैरह से धोखा खा गया होगा। कुछ भी ना धर्मेश, कोई बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानेगा क्या? और वो भी इतना छोटा नहीं, उसकी उम्र में तो सही गलत की पहचान हो ही जाती। जाने दो ना वैशु, क्यों छोटी सी बात को लेकर इतना सोच रही हो? हाँ लेकिन वो थोड़ा अजीब था। हाँ अजीब तो था, सच कहूं वैशु जब उस मासूम ने मुझे पापा कह के पुकारा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे हमारा अपना बेटा मुझे पापा कह रहा हो। बताओ ना वैशु, तुम कब मेरी इच्छा पूरी कर रही हो? अपने बेटे के मुंह से पापा सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। तुम्हें कैसे पता चला कि बेटा ही होगा? बेटा हो या बेटी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ बस प्यार से पापा कहने वाला कोई होना चाहिए। बताओ ना मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, तो तुम ही पूछ लेना डॉक्टर से। ये ठीक रहेगा, चलो। तुम्ही डायल केलेला नंबर शी आता संपर्क होऊ शकत नाही। शिवावा लगता नहीं है फोन, क्या करूं मैं? किसको और फोन लगाओ, नंबर भी नहीं है। अर्चना को फोन करूं क्या? वो कल मुई मेरे साथ बात करेगी सीधी तरह। जाने दो, एक बार फोन करके देखती हूँ, कुछ भी कहने दो।
पता तो चलेगा मानव आया कि नहीं। लेकिन नंबर नंबर कहाँ ढूंढूं मैं? ये क्या है? ये बुद्धे के सब पड़े हैं इधर पेपर। ये मेरा घर है कि कबाड़ खाना? क्या बना के रखा है? देखती हूँ इसमें किधर तो लिख के रखा होगा प्यारी प्यारी बहू का मिला मिला। चलो 9 8 क्या हुआ क्या हुआ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ होने वाला था। मैंने सीधी तरह पूछा है, सीधी तरह जवाब दो। अरे मानव मिला कि नहीं? वो थोड़ा बच्चा थोड़ी है हाँ कि वो खो जाएगा। अरे ऐसा उल्टा जवाब क्यों देते हो? सीधी तरह बोलो ना, मिला कि नहीं? नहीं नहीं। अरे ये क्या किया तुमने? मेरे स्क्रिप्ट का ये क्या किया? अरे बाप रे, अरे 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 ये क्या किया तूने? मेरे स्क्रिप्ट की वाट लगा दी। तुम मेरे स्क्रिप्ट का क्या कर रही थी तू? हाँ क्या कर रही थी बोलना। अरे को ढूंढ रही थी मैं। तू मेरे स्क्रिप्ट में ढूंढ रही थी? अरे तुझे तो इतनी अक्ल है नहीं हा? कि मेरा नाटक वाटक कुछ समझ सके? क्या मेरा नाटक याद कर रही थी मेरी जगह? बोला ना कुछ ढूंढ रही थी। मेरा इधर बेटा नहीं मिलता, इनको नाटक की पड़ी है। क्या करूं मैं? मेरा मानो मिला कि नहीं? मेरे सारे पेपर्स की वाट लगा दी। कुछ नहीं बताऊंगा बुढ़िया को। अरे कुछ तो बोला ना, टेंशन में मुझे चढ़ गए। नहीं बताऊंगा। तूने मेरे स्क्रिप्ट की वाट क्यों लगा दी है? हेलो बाबा, मैं अर्चना बोल रही हूँ। बाबा अभी अभी आपने मुझे फोन किया था क्या? अच्छा तो मानव के बारे में जानने के लिए बुढ़िया ने अर्चना को फोन लगाया था। नहीं तो मैं तो अभी अभी घर पे लौट आया हूँ। फिर मिस्ड कॉल कैसे मिला? किसने किया होगा बाबा? आई सविता, तूने अर्चना को फोन किया था? मैं क्यों करूँ उसको फोन? नहीं नहीं हाँ अच्छा अच्छा, मुझे लगता है सच्चू ने फोन किया होगा। क्योंकि मैं तो घर पे था नहीं। सविता कह रही है कि उसने फोन नहीं किया तो बचता है अपना सच्चू ही, है ना? अरे क्या बकवास करता ये बुड्ढा, एक साल का बच्चा फोन करेगा क्या? फिर किसने फोन किया? अर्चना, ये सविता ने फोन किया था। उसको आता पता मालूम नहीं था ना मानव का, इसलिए वो फोन कर रही थी। लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मानव घर पे पहुंचा। अच्छा बोल। मानव घर पे पहुंचा ना? और तुमने मुझे बताया नहीं ना? मैं क्यों बताऊंगा? मैं क्यों बताऊंगा? अरे मानव ये क्या कर रहे हैं आप? सब्जी काट रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ भाई। मदद? लेकिन आपको नौकरी ढूंढने नहीं जाना है क्या? नहीं, आज मैंने छुट्टी ले ली। छुट्टी? अरे रोज सुबह उठ के नौकरी ढूंढने जाना ये भी तो एक तरीका का काम ही है ना, तो मैंने आज उस काम से छुट्टी ले ली। और मैंने डिसाइड किया कि आज का पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊँ। इतनी मेहरबानी करने की क्या जरूरत है मानव? देखो हम लोग इतने दिनों से साथ में तो रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे, इसलिए आज का दिन हम लोग बिल्कुल साथ में रहें एक दूसरे के लिए। अच्छा अरे मैंने तुमसे कहा ना आज मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद करूं। Thank you.
मानव। सची सची तेरी नजरें एक दर्पण, बेमन की ये खबरें। आपको मेरी ऐसी मदद करनी है ना तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप मेरा काम और बढ़ा रहे हैं। सॉरी। मैं वर्षा को सच्चाई नहीं बता सकता, ये एक सच्चाई उसके चेहरे की मुस्कुराहट को हमेशा के लिए छीन लेगी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कब तक मैं उसे छुपाता रहूंगा? आज नहीं तो कल ये बात उसके सामने आएगी, जो कि उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई। अगर आज मैंने उसको सब कुछ नहीं बताया तो हर रोज वो एक नया सपना बुनेगी, और जब वो सारे सपने टूटेंगे दर्द ज्यादा हो। नहीं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए फिर सब कुछ बताना हो। वर्षा, क्या हुआ? हाँ, सब ठीक है? हाँ, हल्का सा पेट में दर्द हो रहा था। हाँ। नहीं, लेकिन ठीक। अरे, अभी दर्द हुआ, अभी ठीक हो गया? अपने आप? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या दर्द के लिए? मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हो रहा है मुझे। तुम ठीक नहीं हो, कहा ना, और इस बात पे हम कोई बहस नहीं करेंगे। चलो अभी हम डॉक्टर के पास चलेंगे। मैंने बोला ना वर्षा, लेकिन मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तुम आओ मेरे साथ। क्या कर रहे हो? मानव, वो हीरोइन कितनी सुंदर लग रही थी ना। अच्छा, हो सकता है। हो सकता है मतलब क्या है? मतलब अर्चना, जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मैं मुझे कोई लड़की प्यारी ही नहीं लगती। मानव, आज पता है मैं इतने दिनों बाद इतना सारा हंसी। मूवी अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। Oh,
कितनी प्यारी बच्ची है ना जी, मैं एक मिनट इसे ले सकता हूँ? हाँ ले लीजिए। ओ बहुत प्यारी है। अच्छा मुझे भी एक ऐसी बच्ची चाहिए। अच्छा ठीक है, ऐसी बच्ची तो हो जाएगी, लेकिन फिर आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब? जैसे उसे खाना खिलाना, उसे सुलाना। मैं सब करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त। क्या? फिर मुझे जुड़वा बच्चे चाहिए। मानो घबराने की कोई बात नहीं है, हल्का सा मसल पेन है और कुछ नहीं। मैंने कहा था ना कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरी बात ही नहीं सुनते। डॉक्टर साहब क्या वाकई में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ मिस्टर सतीश, सब ठीक है। वैसे डॉक्टर अंजलि ने मुझे आपके वाइफ के केस के बारे में बताया। कुछ छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब आप कुछ मुझसे छुपा तो नहीं रही हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर सतीश, पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो मैं औरतों से ही शेयर। अरे अरे वैशु तू यहाँ पे? ताई तू यहाँ क्या कर रही है? कोई गुड न्यूज है क्या? चुप, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम लोग, तेरे चेकअप के लिए डॉक्टर, ये प्रॉब्लम किसी औरत को ही बताएगी, क्या करूँ किसे लाऊं यहाँ पे? ऐसा ना हो वर्षा को मालूम चल जाए। क्या बात है जीजू, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? वैशाली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए वर्षा के लिए। किस बारे में जीजू? वैशाली तुम वर्षा का ख्याल रखोगी ना? मैं उसका हस्बैंड हूँ, पर मैं मर्द हूँ और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आप मुझे साफ साफ क्या है बताइए, वरना मैं ताई को जाके पूछ लूंगी। अरे नहीं उससे कुछ मत पूछना, उसे कुछ भी नहीं मालूम है। उसे कुछ नहीं मालूम है यानी? ऐसी क्या बात है जीजू? जीजू मेरी ताई को क्या हुआ है? मेरी ताई को क्या हुआ है जीजू? डॉक्टर ने क्या कहा जीजू? जीजू जीजू आप कुछ प्लीज बोलिए जीजू, मेरी ताई को क्या हुआ है? आप प्लीज ऐसे मत रहिए जीजू, मुझे प्लीज बताइए। मां नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती। ये बात सिर्फ मुझे मालूम है, और अब तुम्हें हिम्मत ही नहीं हुई किसी से कहने की, वर्षा से भी नहीं। और मैं चाहता हूं कि तुम भी किसी को कुछ मत बोलना। उसने जो पहला अबॉर्शन करवाया था, सारे कॉम्प्लिकेशंस उस वजह से हुए हैं। सिर्फ एक गलती और जिंदगी भर का श्राप बन गई उसके लिए। वैसे तुझे पता है, तेरे चेहरे की खुशी देखकर मुझे ही एहसास हो रहा है कि माँ बनना अपने आप में कितनी बड़ी खुशी है। और अब मैं तूने जो कहा वही करूंगी, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। That's like my sister. ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है जीजू? मेरी ताई माँ नहीं बन सकती है। ताई ने मुझे कहा था उसे एक मौका चाहिए, वो पापा पर आशीष करना चाहती है, पापा पर उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते जीजू। मेरी ताई के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता, पापा पर उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते जीजू। तुम्हें हिम्मत की जरूरत है, संभालो अपने आप को, तुम्हें वर्षा को भी संभालना है। मुझे सिर्फ तुमसे उम्मीद है, तब तक संभालना है जब तक मैं वर्षा को सब कुछ नहीं बता देता। और हो सकता है कि हमारे सब बताने के बाद भी उसे हमारी जरूरत पड़े, क्योंकि
पहला बच्चा किरण है, का गिल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी वो वैशाली। प्लीज आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं ताई को जाके बताऊं ये बात? नहीं, हमें सिर्फ उसे संभालने में मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं खुद मां बनने वाली हूँ, हमें सिर्फ उसे संभालना है। मैं जान जानती हूँ जीजू, मुझे मुझे पता है वो उधर वो खुशी वो क्या होता है जीजू, और अगर 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 मैंने ये ताई को बात बताया तो मैं अपने आप की नजरों में गिर जाऊंगी जीजू, मैं ऐसे ताई को नहीं बता सकती। अशुभ वैशाली, बस प्यार